लॉकडाउन 4 केस कंटिन्यू हो चुका है, आपके नज़र में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम कैसा है? राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया कदम जो है राशन पर बिल्कुल गलत है। जो पीला कार्ड है, एक तरफ सरकार का बयान है मुख्यमंत्री जी का कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम 3 दिन में राशन कार्ड बना देंगे, और जिनका कार्ड नहीं है उनको भी 1,000 रुपया देंगे। कल के अखबार में भी आया है, चीफ सेक्रेटरी का आया है, इतना बड़ा झूठ है। और आया है कि उन लोगों को भी हम 1,000 रुपया डालेंगे जीविका दीदी के माध्यम से, और हम डाल दिए हैं। कितना आया था, कितना लाख हम डाल दिए हैं। मेरे वार्ड की समस्या है कि जीविका दीदी जितना फार्म ले गई 600, उसमें से 120 लाई, जितने लोग गरीब थे उनका फार्म छाट दिया गया, और अफसर से पूछने पर कहा जाता है कि वार्ड पार्षद जो हैं बिल्कुल दलाल हैं, और मेरे पास जनता आती है तो हम उसको क्या बताएंगे। सरकार को नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना चाहिए था, इसलिए कि मेरे पास पावर ही नहीं है और हम दलाल हैं तो हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक मेरे पास आती है, आप कितना फार्म ले गए, जीविका दीदी कितना फार्म ले गई, और जीविका दीदी किस आधार पर चयनित की, वो फार्म किस आधार पर चयनित किया गया मेरे वार्ड में 120, उसको तो बताना चाहिए कि 120 किस आधार पर किया गया, तब हम पब्लिक को बताएंगे कि आपको इस आधार पर चयनित किया गया, आपका इस कारण से आपका फार्म रद्द हो गया। वो भी वार्ड पार्षद के जिम्मे में नहीं है। जब शुरू जब राशन कार्ड बना था तो उस समय भी NGO के माध्यम से कराया गया था, माने भाया मीडिया कराया जाता है, कभी भी वार्ड पार्षद का राय विचार विमर्श नहीं लिया जाता है। और यही कारण है कि जो लोग नीडी हैं उनका छूट जाता है, और जो लोग नीडी नहीं हैं उनका बन जाता है। ये शिकायत हमेशा रहेगी, जब तक आप नगर निकाय या मुखिया जितने लोग सरपंच हैं पावर नहीं दीजिएगा, निधि नहीं बनेगा, तब तक ये राशन का मामला सुधरने वाला नहीं है। मेरे वार्ड में ये समस्या है कि इसका पीला कार्ड था उसका आप राशन बंद कर दिए। पिछले माह में बहुत प्रयास करने के बाद, सदर SDO से कहने के बाद, विनती करने के बाद 1 माह का मान दिया, अभी जितना पीला कार्ड है सब बंद हो गया। अब जब बंद हो गई तो उन लोगों का चूल्हा बंद हो गया। ये मेरे वार्ड में मूल समस्या है। मैं फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी से, अफसर से, कलेक्टर से, सभी लोग से करपत प्रार्थना करता हूँ कि इस 4-2 में कोरोना वायरस में पीला कार्ड का माल चालू करवा दीजिए, और आदेश करके रजिस्टर पर, उसका कंप्यूटर में नहीं है तो आपका ये काम है ना कंप्यूटर में करना, पब्लिक का काम नहीं है, आना वार्ड पार्षद का काम है। उनका कर्मचारी का सीधा निर्देश दिया गया था सरकार के द्वारा, SDO साहब के द्वारा MO को, कि तुम जो है पीला कार्ड जितना है, आज से 3 महीना पहले का आदेश था कि उसको PHS में कन्वर्ट कर लो। न MO साहब किए, न SDO साहब किए, कोई नहीं किया, ज्यों का त्यों रह गया। आज जो स्थिति बन गई है कि उन लोगों का पीला कार्ड छट गया, ये मूल समस्या यही है। क्या अनुरोध करेंगे सरकार से? हम यही अनुरोध करेंगे कि सरकार जो रोज बयान दे रही है अखबार में कि एक आदमी भूखे नहीं सोएगा, तो कम से कम मेरे वार्ड में जाँच, आरा नगर निगम में जाँच करा ले कि कितने लोगों का कार्ड कट गया, और ईमानदारी पूर्वक जांच करा करके दे उनका राशन कार्ड जो पीला कार्ड बंद हो गया, उनका केवल खाद्य सामग्री दे दे इस कोरोना वायरस में, और जिन लोगों का कार्ड नहीं है उनको भी जो घोषणा किया गया है जीविका दीदी के माध्यम से, अभी मेरा वार्ड में अभी चल ही रहा है, उनको भी ईमानदारी पूर्वक जाँच करा करके पूरे लोगों का राशन जो है वो दे दे, और 1,000 जो रुपया सरकार की तरफ से मिल रही है वो उनके अकाउंट में डाल दे, यही मेरा डिमांड होगा। चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या सरकार से क्या सुझाव देंगे इस विषय पर? हम सरकार से क्या सुझाव देंगे, सरकार तो झूठ पर झूठ बोल रही है, उनको सुझाव क्या देना है। ईमानदारी पूर्वक सर्वे करा ले, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। ईमानदारी पूर्वक जब तक NGO काम करेगा, कोई भी सरकारी एजेंसी काम करेगी तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। NGO करेगा, जीविका दीदी करेगी तो गलत होगा। क्या कारण है आप लोगों का ये जो भार ना देकर जीविका दीदी के ऊपर भार? अब जीविका दीदी, अब आजीविका मिशन है, वो एक सरकार के तरफ से मिशन चलता है, सरकारी एजेंसी वो एक तो NGO टाइप का है, और उन लोग गलत करेगा ही, सरकार अपने एजेंसी से कहे नहीं कराती है। सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग का अपना सप्लाई विभाग है, उसे क्यों नहीं जाँच कराती है? सरकार अपना जो कलेक्ट्रिएट में लोग बैठे हुए हैं उससे क्यों नहीं जाँच कराती है? जो लोग नगर निगम में बैठे हुए हैं तहसीलदार, उनसे क्यों नहीं जाँच कराती है? सरकार बार बार NGO में क्यों जाती है?
लिमिटेड कंपनी में सरकार क्यों जाती है, टेंडर ठीका उसको क्यों देती है, हम ये तो कहना चाहते हैं। इसलिए कि उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा, अलग से उसको लूट घसोट होगा, इसलिए सरकार उसको दे रही है। डायरेक्ट अगर सरकार दे दे नगर निगम को या खाद आपूर्ति विभाग को दे दे, इंस्पेक्टर साहब अपने पांच को रख करके जांच करवा ले। जिला प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? जिला प्रशासन का इसमें सहयोग ही नहीं है तो सहयोग कैसे रहा, इसमें सहयोग क्या रहा? अभी तक तो भूखे लोग मर रहे हैं तीन महीना से, कहाँ एक बार एक महीना का माल बहुत कृपा करने पर, बहुत SDO साहब के विनती करने पर उन्होंने दिलवाया है। क्या कहना चाहेंगे इसे? कहना चाहेंगे हम सभी लोगों से हाथ जोड़ करके कि भैया कोरोना वायरस है, इसमें आरा नगर निगम का जिस भी क्षेत्र का पीला कार्ड बंद हो गया है उसको कम से कम रजिस्टर लेकर के और उसका राशन कार्ड आप चालू करवा दीजिए, उसका खाद आपूर्ति विभाग से माल दिलवा दीजिए, और वो लोग जिनका बंद कर दिए हैं ये बहुत आप पर उपकार होगी। जिला प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे। अपना पूरा परिचय? दिनेश प्रसाद मुन्ना, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 12, मोला बाजार।